नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप क्या काम करती थी? सफाई। ओ सुनीता, अरे मेरा बेटा, ये कौन है? ये बच्चा किसी और का नहीं, आपके पति का है। पागल हो रहा है के? ए पकड़ चोरी में। पर अब बताओ मैं किसका नाम दूँ इसको? मुझे नहीं पता किसका नाम देगी, ये रोना तो ना मेरे सामने मत कर। अबॉर्शन के लिए तो बोल दे कि अबॉर्शन करा ले, दुनिया में आने से पहले मैं इसे खत्म कर देती। अब तेरी औकात यही है, मुझे पता है। गेले पकड़ दे गड्डी, पैसे पकड़। अब दोबारा मुझे दिख मत जाइयो, समझी? हाँ। देखो सिस्टर, आप रो मत। देखो जो आपके साथ हुआ है ना, एक केस पहले भी ऐसा आ चुका है, तो आप देखो बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। भैया मैं क्या बताऊँ, इतनी परेशान हो रही हूँ। मैंने तुम्हारी वीडियो देखी, मैंने सोचा आपसे हेल्प लूँ। भैया प्लीज मेरी हेल्प कर दो। देखो मैं समझ रहा हूँ, देखो कैमरा वगैरह मैं स्टार्ट कर लूँ। अगर आप ऐसे रोते रहोगे, इतनी क्यूट सी बच्ची है आपकी, ठीक है, आप इसका ध्यान रखो। स्टार्ट करूँ मैं कैमरा? सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, यू आर वॉचिंग सैम का ऑफिशियल, बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो गाइज, आज जो आप मेरे साथ ये बहन देख रहे हो, भाई इनके साथ इतना गलत हुआ है ना, मतलब भाई ये एक जगह पर काम करती थी और वहाँ पर इनके मालिक ने ही इनको साथ गलत किया, ये प्रेग्नेंट हो गई और फिर इन्हें जो है काम से निकाल दिया, ठीक है। तो एक बात बताओ, उसकी वाइफ खुद पुलिस वाली है, ठीक है, आप बोल रहे हो पुलिस में है, जी। तो फिर आपने उनसे कभी शिकायत करने की कोशिश नहीं करी? भैया मैंने बहुत कोशिश करी उनसे शिकायत करने की, पर ना उनके हस्बैंड मेरे को धमकी देते कि तूने मेरी घरवाली को कुछ बताया ना, तेरे को जान से मरवा दूंगा, जहाँ तू रहती है वहाँ से तुझे निकलवा दूंगा। तो एक बात बताओ, ये कितना टाइम पहले की बात है? भाई एक साल हो गया इस बात को। एक साल हो गया, तो आपको पता कैसे लगा, मतलब कि आप प्रेग्नेंट हो, और ये सब कब हुआ, थोड़ा सा डिटेल में बताओ मुझे। भैया वो ना ड्रिंक वगैरह करते थे। अच्छा। और मेरे को भी ऐसी किसी कोल्ड ड्रिंक वड्रिंक वगैरह दे दी, कर ली, और मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी। तो घर पे कोई नहीं था उस टाइम? जी नहीं भैया, भैया दोनों हस्बैंड वाइफ थे, वो तो चली जाती थी, वो तो पुलिस वाली है। और ये हस्बैंड क्या करते हैं इनके? ये तो पीते रहते थे, घर में पड़े रहते थे। घर में पड़े रहते थे जी भैया। तो मतलब आपको पता कैसे लगा कि आप प्रेग्नेंट हो? मतलब इन्होंने एक दो बार फिर कोई हरकत करी थी, मतलब इन्होंने ड्रिंक वगैरह नहीं दी थी, वैसी कोई हरकत करी थी, फिर मतलब मुझे पता चला 2-3 महीने बाद कि प्रेग्नेंट। जब पेट निकला आपका है जी भैया, तो आपने इनसे बात करने की कोशिश करी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे सीन हो रहा है? जी भैया मैंने इनको बोला था, कह रहे कि ना अपना मुंह बंद रख, मेरे को 10,000 रुपये दिए और कह रहे यहाँ से तू निकल जा। मैं यहाँ से गांव चली गई भैया, मेरे को दिक्कत हो रही, परेशान हो रही, मैं कहाँ जाऊँ? सब कहते हैं इसका बाप कौन है, मैं किसका नाम दूँ इसको? आपको कोई फैमिली वगैरह नहीं है? जी नहीं भैया। तो फिर आप एक बात बताइए मुझे, तो आपको अबॉर्शन करा लेना चाहिए था? भैया मेरे पे कोई पैसे वैसे कुछ भी नहीं थे, मैं कहाँ जाती अकेली, मुझे तो कुछ आता पता भी नहीं है। सही बात है भाई, देखो ये जो चीज़ें होती है ना, मैं कोई मतलब पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कुछ पता नहीं इन चीज़ों के बारे में। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सही जगह आए हो। देखो मैंने जो है ना, जो वो है पुलिस में जो है उनकी वाइफ जो IPS ऑफिसर है, मैंने उनको यहाँ पर बुलाया है। भैया इनको क्यों बुला लिया यहाँ? देखिए वो उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा, आपको बिल्कुल भी बिना डरे बात करनी है, ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, वो भी मेरे को उल्टा सीधा बोलेंगे, धमकी देंगी मेरे। आप टेंशन मत लो, उन्हें अभी तक पता है कि आपके साथ ये सब हो चुका है? नहीं भैया। आप यहाँ से गए, आपने हमको आपको उन्हें इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना, इतना सब कुछ हो गया आपके साथ, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैंने उनको बुलाया, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, जो कुछ है भैया प्लीज सही बिल्कुल सही बोलना है, ठीक है। देखो गाइस इतना सब कुछ हो चुका है, फिर भी जो है अगली जो है अपने बच्चों को पाल रही है, ठीक है, कल को ये बड़ा होगा, बड़ी होएगी, मैं कहीं एडमिशन कुछ करवाऊंगी, मैं किसका नाम लिखवाऊंगी कि इसका बाप नहीं है? दुनिया मेरे को बोलेगी नजायज औलाद है, किसकी औलाद है, उल्टी सीधी बातें बनाती है मेरे को। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, मैंने उनको बुलाया है, ठीक है, मैं एक बार उनसे बात करूंगा, ठीक है, अगर समझती है तो बढ़िया है, क्योंकि देखिए जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, IPS कोई ऐसे नहीं बन जाता, पुलिस के अंदर किसी की ऐसी एंट्री नहीं आती, उन्हें एक एग्ज़ाम पास करना होता है, ठीक है, तो बहुत मेहनत के बाद जो है किसी मुकाम तक पहुंचते हैं, और आई होप कि वो जो है आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल बिना डरे मेरी बहन उनसे बात करनी है, ठीक है, तो जब तक वो आते हैं उनका थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आ गए, लाओ कैमरा।
जैन मैडम। जैन भाई, जैन कैसे? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बस मैं सोचा कुछ बात करनी थी जो कि आमने सामने जाता ज्यादा बेहतर है। आ जाता यार। नहीं, थाने में आ जाता, लेकिन वहाँ पर दूर दूर ना धूप में अडवा दिया। बता यार। नहीं, थोड़ा सा ऐसा है ना, वहाँ पर जो है पुलिस वुलिस को देख के डर लगता है, इस वजह से मैंने आपको ही बोलता कि ड्रेस वगैरह पहन के बताना। अरे भाई, डर क्या, तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान है, अच्छों के साथ अच्छे ही रहते, गलत के साथ ही गलत होता है ना इंसान। नहीं, वो तो ठीक ही है। बैठिए 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 बैठिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आपको ऐसी जगह पर बुलाया है। मैं सोचा था कहीं मतलब आपको जो है थोड़ा मतलब रेस्टोरेंट वगैरह में बुलाता, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा जो है ना बात नहीं हो पाती हमारी। कोई दिक्कत ना, बता क्या बात होगी, कैसे याद कर लिया? नहीं, बस मुझे है ना आपको किसी से इंट्रोड्यूस कराना था, किसी से मिलाना था मुझे। हाँ, तो थाने ले आता ना भाई मेरे। अरे मरते भी थका दी तू। वो चीज तो ठीक है, लेकिन सोचिए मुझे इतना डर लग रहा है, तो जिसे मिलवाना है उन्हें कितना डर लगेगा? तो कोई क्रिमिनल है क्या? नहीं नहीं, क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना, देखिए कुछ लोग जो है ना, अगर कोई उन्हें दबा देता है ना तो मासूम होते हैं वो लोग, उनको दबा दिया जाता है, उनको धमका दिया जाता है। कोई बात हो गई तो किसी की गल? हाँ, हुई तो है, तो बस वही उसी के सिलसिले में ही मुझे किसी से मिलवाना था। एक मिनट आइएगा आप। हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्ते। ये पहचाना नहीं मुझे, कौन? सुनीता। आप क्या काम करती थी सफाई? ओ सुनीता, बेटा कहाँ गायब हो गई थी? भाई पकड़ी जरा। अरे मेरा बेटा, ये कौन है? अरे शादी कर ली तूने? कुछ तो जवाब दे भाई। अरे ये तेरी बेटी है? हाँ मेरी बेटी। वाह कितनी क्यूट है। कैसे याद किया बाबू? बैठ, सब ठीक? हाँ सब ठीक है, बस इनसे मिलवाने के लिए बुलाया था मैंने आपको। तू घर आ जाती, छोरी थाने आ जाती, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? बैठ जा, क्या हो गया भाई, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। तू पागल, घर आ जाती, एक तो तू वैसी एक साल से गायब होगी, और तू पिंड बताए क्यों गायब होगी तेरी? मैं गांव चली गई थी। क्यों, सब ठीक ठाक? मैम क्या बताऊं, देखिए कैसे चुप चुप हो रही है, क्या बात हो, कोई बात होगी क्या भाई? बैठिए एक मिनट बैठिए, मैं बताता हूं। देखिए ए बाबू, कितना क्यूट बच्चा है यार तेरा। बेटा बेटी है? बेटी है। अरे देख ना भाई कितने क्यूट है। है तो बहुत क्यूट। हेलो, देखिए हम बताओ बताऊं, देखिए ये बच्चा जो है ये इनका है। हाँ। और ये बच्चा किसी और का नहीं, आपके पति का है। पागल हो रहा है के? ए पकड़ चोरी ने। मालकिन में सही बोल रही हूँ। क्या सही बोल रही है तू? मालिक की बेटी है। कुछ भी, आप एक बार उसकी सुन तो लीजिए, क्या हाँ हुआ था, वो बिना बताए क्यों चली गई थी? देख मेरी बात सुन, तन पता है मैं किस पोस्ट पे हूँ? कुछ भी उल्टा सीधा एलिगेशन लगाने से पहले ना 50 बार सोच लिए। मैं आपको कह रही थी ना, ना ना ना, देख सही के साथ सही और गलत के साथ गलत हूँ मैं, पर मैं ये बात तना बोल रही हूँ, मेरे पति पे कुछ भी एलिगेशन लगाने से पहले ना 50 बार सोच लिए। जरा सी गलती निकल गई ना तो मैं छोड़ दूंगी। देखिए मैडम, मैं भी आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपकी पोस्ट की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है? ये बेचारी बहुत ज़्यादा डर रही थी, ठीक है, कि नहीं भैया मैं मालकिन को फेस नहीं कर पाऊँगी। ऐसा था जो आपके हस्बैंड थे ना, जब आप घर पे नहीं होती थी, आपकी तो कभी इधर शिफ्ट लग जाती थी कहीं। हाँ भाई, इधर ड्यूटी करनी तो पड़ेगी ना। ऑफिसर है, ठीक है, और मैं समझता हूँ, देखिए सारे फर्जों से पहले ड्यूटी होती है, ठीक है? सीधी बात है भाई, मैंने तो बहुत पापड़ बेल लिया है, क्योंकि मैं चाहती थी इसी पोस्ट को लेना, ऐसे नहीं बनगी मैं IPS। नहीं मैं समझ रहा, मजाक ना हो रहा है ना बनना, तो बस मैं झूठ की बोलूंगी आपसे। आप नहीं होती थी तो? अरे बहन तक मना नहीं मेरा, तो झूठ बोल रही है सच बोल रही है, वह तो भी मैं डिसाइड करूंगी, तो झूठ बोल रही सच बोल रही है, पहले तेरी सुन लू, बता क्या बात है? बताइए क्या हुआ था, क्या क्या करते थे? देखिए बिना डरे बोलना और सच बोलना। देख तेरी गलती होगी तो तन्ने नहीं छोड़ू, और मेरे पति की गलती हो तो उसने नहीं छोड़ू, साफ बता क्या बात है? मालकिन आप चली जाती थी ना, तो पीछे से साफ मेरे साथ तुम किसी की हरकतें करते थे। कितने टाइम कब से चल रहा है ये चक्कर? मैम 1 साल हो गया। अरे चोरी कितने दिन की है? 4 महीने की है। 1.5 साल तक तू गायब है। मेरे को मालिक ने पैसे दिए थे कि तू यहाँ से चली जाना, मैं तेरे को जान से मार दूंगा, जहाँ तू रहती है कमरे पे वहाँ से भी निकलवा दूंगा, फिर तू कहाँ जाएगी? तू एक बात बता, मेरे तो छोटी सी और मेरी आपसे हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। क्यों नहीं हिम्मत हो रही थी? अभी भी तो हिम्मत करके आई है ना, जब तेरे साथ छेड़खानी हो रही थी, कुछ भी हो रहा था, चाहे तेरे चूटी भर रही थी, मेरे तो बताती तो अभी भी तो तू बालक लेके मेरे तो हिम्मत कर
करकाई है ना तेरे तो भाई चाहे तेरे थ्रू आई है, आई तो है किसी भी थ्रू। देखिए मैं बता दूं कहां रहती हूं, वो तो कहते कि तेरे को कहीं जॉब कहीं लगवाने दूं तू जहां पाए तू जड़। मैं तो तेरे घर भी गई थी जब तू बिना बताए गायब होगी, वहां देखा तो वहां ताला मिला मेरे को, वहां भी ना मिला मैंने कोई। आपने अपने हस्बैंड से नहीं पूछा कि वो? मैंने उससे पूछी थी, कह रहा भाई मेरे को पता नहीं, अब क्योंकि मैं सारा लेन देन करना धरना मैं ही रखती थी, मेरा पति कोई मतलब ही नहीं था इससे, और आज ये कह रही है उसका बच्चा लगा रही है। देखिए मैं समझ रहा हूँ सारी चीजें, देखिए ये पता है इनकी हिम्मत भी क्यों हो गई, क्योंकि मैं चाहता हूँ थाने मिलने आया था लेकिन थाने में उस तरीके से बात नहीं हो पाती। मैंने कहा जो भी है आप आमने सामने बात कर लिया, आपके आने से पहले ये इतना रो रही थी कि मालकिन को फेस नहीं कर पाऊंगी मैं, कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं तेरे को बेटी तो खैर क्या ही बोलूं, तू इतनी छोटी भी ना, हाँ तू है मेरी बहन बराबर, कभी मैंने इससे ना भाई अपनी बहन तो अलग कभी नहीं समझा। इसका पूछ इसकी सैलरी थी 12,000, इसको कभी 16 दूं कभी 18 दूं, मतलब कोई बात ना, इसका घर इन्हीं से चलता है, मेरे पास कोई कमी नहीं परमात्मा की दी। वो तो ठीक है। और देख ये नहीं मेरे घर आती थी, जो मेरे घर में अच्छे से अच्छा बन रहा है साथ खा, मैं अपने लिए कपड़े लेने जा रही हूँ चल साथ चल, या एकदम से गायब होगी भाई, इसके वहाँ घर गई 2 दिन काम पर नहीं आई, मैंने चल तबीयत खराब होगी ना ही होगी मेरे पे भी, देख भाई इतना टाइम नहीं होता अपने घर जाऊँ, पूरे दिन इतनी थक जाऊँ तो ये लगे बस यार रोटी पानी खाऊँ और सो जाऊँ, 2 दिन बाद मैं जब नहीं आई तो तीसरे दिन मैं इसके घर गई, देखा हुआ ताला लगा हुआ, अब उसका नंबर वो स्विच ऑफ लगता ना, जो कुछ हुआ था ना फोन वगैरह भी सिम वगैरह भी आपके हस्बैंड ने इसकी ले ली थी, ठीक है लेकर क्या करा अल्लाह का तर्जा ने, ठीक है लेकिन जो है अब जो चीजें हुई है ना ऐसा नहीं है एलिगेशन लगा रही है पैसों की वजह से कर रही है ऐसा कुछ ना, ना पैसों की लालची ना है चोरी ना, ना देख बेकार में भाई किसी की चोरी पोंगली ने उठाऊं ना ना, पर मेरे को समझ में आ रही बात ऐसी क्यों कर रही है, इस वजह से कर रही है। देखिए आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप डीएनए टेस्ट करा लो आपके हस्बैंड का और इस बच्चे का, तो कराऊंगी भाई ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आपके हस्बैंड को जो है ना यहाँ पर बुलाया गया है, यहाँ पर कैमरा लगा है, आपको तो पता ही है मेरा क्या भाई, मतलब आज तेरी इतनी हिम्मत होगी कि तू इतनी बड़ी, मैं किस पोस्ट में हूँ तुझे मालूम नहीं है कि मैडम मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी पोस्ट की भी और आपकी भी, और तूने पहले तो कैमरा बंद कर, नहीं मैं बंद करवा दूंगा आप सुन लीजिए, देखिए अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे भी शायद थाने ले आके तोड़ना मेरा कैमरा भी तोड़ ना, देखिए भाई तोड़ने की बात नहीं है, रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ आपसे, देखिए जो कुछ भी है ना मैं चाहता हूँ कि इन किसी तरीके से इन्होंने जो आपके हस्बैंड से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी, उन्होंने बोला है कि मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है तो आप सच्चाई अपने आंखों देख लीजिएगा कि ये गलत है या आपके हस्बैंड गलत है, क्योंकि वो करते तो ज्यादातर कुछ नहीं है, आप ही हो जो कुछ भी है, ठीक है वो बाकी घर के काम संभालते हैं, हाँ घर ही देखता भाई, ठीक है तो मेरी बस छोटी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, आप मेरे साथ कैमरे के पीछे चलिए ताकि आपके हस्बैंड आए तो जो कुछ भी है चाहे ये गलत है या वो गलत है एक बार मतलब वो होता है कि इस छोटी सी बच्ची को इंसाफ मिल सके, इन्हें इंसाफ मिले, क्योंकि ये चाहती तो अबॉर्शन करा लेती। इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ, अगर मेरा पति गलत निकला ना उस बहनचोद को बंद करवा के या छोरी अपने घर धरूंगी, जब यह चाहे मेरा आदमी की है ना है वो बात की बात है, पर छोटी बालक है बच्चे की, देख बच्चा मेरा हो चाहे किसी का भी हो बच्चे सब एक बराबर होते हैं, ठीक है मैं ये नहीं कि ये मेरी नहीं है तो मैं इसको धुतकारूंगी और जो मेरा उसको पुचकारूंगी, नहीं वो भी बालक है और वो भी बालक है, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा आगे भी एक लड़का है, ठीक है ठीक है मैडम जी, तो एक काम करिए मैंने जो उनको कोई बात ना भाई, ठीक है चल देखते हैं, मेरे साथ कैमरे पीछे ही आपके मोबाइल, देख चोरी तेरे लास्ट समझा रही हूँ, अगर तेरी गलती निकल गई ना तो मैं छोड़ दूं नहीं, और हाँ मेरे पति की गलती निकल गई तो तेरा आगे उसने नहीं छोड़ दूं, ये बात भी है, आप ये माइक रख लीजिए ना, चलो मैं साथ मालिक बच्चे के लिए बुलाया मैंने तुम्हें, बच्चे के लिए बुलाया, कैसा बच्चा किसका बच्चा क्या कर रही तू ड्रामे, ये मालिक आपके तो बच्चा ही, ओए ये ड्रामे है ना तेरे, पहले भी मैंने तुझे समझाया था भग गई थी ना जान बचा के अपनी, अब यहाँ मालिक आपने तो भेजा था मेरे को, तो अब क्या प्लान बना क्या ये कुछ मोटा खाएगी अब, अब क्या प्लान बना क्या ये तू मेरे साथ, मालिक इस बच्चे को इसका नाम दूं मुझे क्या पता किसका नाम देगी, किसका नाम देगी, जाके उसको जो तुझे बताया था पूरा प्लान मैंने कि जाके अबॉर्शन करा ले खत्म हो जाती है, टेंशन तो नहीं होती तेरे पास, ठीक है लेकिन तेरे उस टाइम समझ में नहीं आ रही थी तुझे मामा खेलना है ना, तो अभी जो करना है ना वो कर, मेरे पल्ले मत पड़ और यहाँ दोबारा कभी कॉल मत कर दियो, मैं तो इसलिए आ गया, ओ हेलो हाथ जोड़ी पैर पकड़ लिए, समझ में नहीं आ रहा तेरे, समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पैर पहले समझाऊ तेरे को, बैठ जाया
ठीक है, तेरे ड्रामे करवाऊ मैं फिर सही से उसे। यार वो इज्जत से समझाया था, अच्छी भली तू चली गई थी, फिर दोबारा आई कैसे भाई, क्यों आई है? मालिक मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं इस बच्चे को किसका नाम दूँ, उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, मुझे दुनिया सब बातें बनाती कि नाजायज औलाद है, किसके औलाद ले आई तू ये। तो ये तो तुझे सोचना था पहले, पहले तेरे को सोचना था, 20 दिन का तेरे पेट में था, मैंने कहा सफाई करवा, पैसे दे रहा हूँ तेरे को, पैसे दे के आया, तूने क्यों नहीं करवाई सफाई? ठीक है, जब तुझे कराना चाहिए था ये सब, अब तू यहाँ पर तू मेरे पल्ले बांध रही है इसको, है या कुछ और मोटा खाने के लिए प्लान बना के आई है अपनी फैमिली के साथ? कुछ नहीं कहना है, इसके बच्चे को नाम चाहिए। नाम तो मेरा नाम ऐसे बट रहा है, किसी को भी अपना नाम दे दूंगा, है? ये चीज तुझे पहले सोचनी चाहिए थी ना, बोल। ऐसे मत करो, ऐसे कुछ नहीं करो, देख रही खर्चे पानी की बात, पैसे दे दूंगा तेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे ले ले खर्चे के और निकल यहाँ से। दोबारा अगर नजर आ गई जो गलती अब तूने करी है, ये दूसरी बार तीसरी बार गलती, गलती सही मत कर दियो। तो मालिक पूछेंगे किसका बच्चा, तो मैं क्या बोलूं? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैंने तो उसी दिन जो था ना, जो मेरी गलती हुई थी, जो मैंने तेरे साथ किया, उसका भुगतान भर दिया मैंने तेरे को, ठीक है, एक साल पहले पैसे दे दिए थे इतने कि तू आराम से सफाई भी करवा सकती थी अपनी और ऐश कर सकती थी उन पैसों से। अब वो पैसे तूने चाट लिए वाले, अब आके तेरे को फिर नजर आया कि और थोड़ा काटूं बकरे को, तो तू फिर अब इसका बहाना लेके, बच्चे का बहाना लेके यहाँ पर आ गई। मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है, मैं तो भूल गया था तेरे को, ये तो आ गया मैं यहाँ मिलने के लिए, ताकि इसलिए कि मेरी बीबी के कहीं कान में ना पड़ जाए। जानती है ना तू वो कौन है और क्या है वो? मालिक मेरे को पता है। हाँ, पर अब बताओ मैं किसका नाम दूँ इसको? मुझे नहीं पता किसका नाम देगी, ये रोना धोना मेरे सामने मत कर। आपने अबॉर्शन के लिए तो बोल दिया कि अबॉर्शन करा ले। इस दुनिया में आने से पहले मैं इसे खत्म कर देती। वो मेरी हेडक नहीं है ये, वो तेरी हेडक थी, तू उस बच्चे के साथ कुछ भी करती करती नहीं करती, अब तूने पैदा किया, तू पाल अपनी हेडक पाल, मेरी कोई हेडक नहीं है। मालिक आपने आसानी से तो कह दी कि अबॉर्शन करा ले। तो मैं अबॉर्शन कैसे करा लेती? तो फिर और क्या, पैसे दिए थे मैंने तेरे को, तुम्हें बच्चे को देख के तरस भी नहीं आता? पैसे दिए थे भाई मैंने तेरे को, और सुन मेरी बीबी के बारे में तू अच्छे से जानती है, उसके जरा से भी कान में पड़ गई ना भनक हल्की सी भी, तो तेरे को तेरे साथ तो सीन करेगी करेगी, मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा, रोड पे आ जाऊंगा मैं, जानती है ना तू? तो बताओ मालिक मैं क्या करूं? और अगर तू ऐसे नहीं मानेगी, ऐसे नहीं मानेगी ना, फिर मैं अपनी बीबी के जरिए ना तुझे ऐसे ऐसे केस लगवाऊंगा कि जिंदगी में है ना कभी यहाँ दिखाई नहीं देगी तू, सड़ जाएगी जेल में। क्या मालिक मत करो, मेरी समझ में आ रहा है ना जो समझा रहा हूँ? अब तेरी औकात यही है, मुझे पता है, ये ले पकड़ दे गड्डी नाले कीड़े सिर्फ किसी से ही तुम धुलोगे, पैसे पकड़, अब दोबारा मुझे दिख मत जाइयो, समझी, दोबारा दिख मत जाइयो जो कह रहा हूँ तेरे से। हाँ क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? अरे यार मार क्यों रही है यार? बैठो बैठो बैठो, कौन है ये? मुझे क्या पता कौन है, तो अच्छा वैसी हेल्प मांग रही है पैसे। ओहो हेल्प में इतने सारे पैसे देते हो, बड़े रईस हो तुम तो, बैठ ज्ञान मत दे मेरे को। अरे कुछ नहीं है, तेरे ऐसे ज्ञान नहीं देखती हूँ, पूरा दिन में बैठ जल्दी ले, पकड़ तू पहले तो यही पकड़, ये दे रहा ना तेरे को, ले बाबू तू पकड़ मेरी साइड से, बैठ इधर बैठ, तेरे को मैं बताऊंगी। बैठ यार, क्या कहना चाह रही है यार, कुछ भी नहीं है। क्या कहे, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं है, क्या नहीं है? पैसे की हेल्प मांग रही थी, पैसे दे दिए मैंने उसको यार, बच्चे के लिए मांग रही थी हेल्प। ओहो पक्का? हाँ यही देख ले, फिर झूठ, अपनी गलती नहीं बोलेगा। तुम्हारी हस्बैंड पे अपने यार, अरे हस्बैंड है तेरे को, तेरा पटुकने का मन कर रहा है, किस मुंह से हस्बैंड बता रहा तू मेरे को अपने आप को? है क्या किया मैंने? मेरा हस्बैंड बन रहा तू? मैंने क्या किया यार? क्या करा है तन्नी बेरखे करा है? छोरी की शक्ल देखिए जरा, और अपनी शक्ल मिलाइए। हां क्या कहना चाह रही है यार? किसकी है छोरी? मुझे क्या पता यार किसकी है? यार बैठ तने बताऊं अभी, ज्यादा कलाकार मत बने। अपने हस्बैंड के साथ ये बिहेव कर रही है, ये जितनी देर से तेरे ड्राम में चल रहे ना, यार खड़ी होकर देख रही हूँ मैं, सुन रहा है? शर्म आ रही है आपको? क्या कर रहे हो आप? तुम कौन हो भैया? क्या है, क्या है ये सब? तने बाद में बताऊंगी कौन है ये, जो पूछ रहा उसका जवाब दे पहले। बताओ मैडम जी, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। आ रही हूँ भाई, देख मुझे ये बताइए ये कौन है, जानते हैं आप इन्हें, ये जो खड़ी हुई है? भाई मैं नहीं जानता, वो हेल्प मांग रही है। ये कौन है? उसको भी नहीं जानता मैं। आप दो मिनट खड़ोगे? अब बताओ ये कौन है? हाथ रखो इसके, हाथ रखो, कौन है ये बता जल्दी, तावड़ी सी बोल। अरे यार क्या हो रहा है यहाँ पे मेरे? यार प्यार ना पूछ रही, क्या ड्रामा करवा रही तू भाई? यार देख पल्ला, इसका सर पर हाथ रख के खा कसम, कौन है यार चोरी, जल्दी बोल जल्दी। इंसान अगर तेरे में खड़ा करवा तूने यहाँ पर मेरे साथ फिल्म बना रही मेरी, तू जी भी देख रही हूँ मैं ना। अरे कौन है चोरी, अगर तेरे में इंसान ही आता ना, जब पूछ रही तेरे तक कौन है यार, जल्दी बता, तावड़ी सी बता जल्दी जल्दी।
यार वही तो है यार, ले चल बता रहा हूँ। अरे वहाँ छोरी नहीं पूछ रही, की पूछ रही हूँ किसकी नहीं पूछ रही। पता ये कौन है, उसको तो तू जानती है यार, झूठ बोल रहा था ये काम वाली ना हमारी। यार देख मेरी बात सुन, पति है मेरे को मजबूर मत कर हाथ पर तुड़वान पे, और क्या बात कर रही है यार, क्या कर दूंगी इसका सर पात्रक। और जल्दी बता छोरी कौन है यार, इसके बारे में मेरे क्या पता, ये बता रही है यार के। हाँ क्या बता रही है, पैसे वैसे जरूरत थी यार, मैं हेल्प पकड़े भाई फोन पकड़े इतने मेरे। अच्छा अभी भी क्या कर रही है यार, बार 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 रही है यार। अगर तुझे बार बार नहीं पिटना ना, देख मुझे बहुत बेइज्जती फील हो रही है, मैंने पहली बार तेरे पर हाथ उठाया है, जल्दी बता छोरी कौन है यार, जल्दी तावड़ी सी बोले यार, सांस मत फुला, तेरा सांस पूरा फुला दूंगी, जल्दी बता छोरी कौन है यार। ये मेरी लड़की है। अब कैसे बोल रहा तू मेरी लड़की है, अब कैसे बोल रहा तू मेरी लड़की है, तुझे शर्म नहीं आई किसी की बेटी की जिंदगी नाश करते हुए, है शर्म नहीं आई, इतनी सी भी नहीं आई, इतनी सी आई, मतलब तू क्या सोच रहा था कि गरीब है तो जिंदगी नाश करेगा तू उसकी। यार मैं ये सब नहीं करना चाह रहा था यार। अच्छा अच्छा इसने बताया होगा ना, हाँ है ना, मेरे को नहीं पता इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाए, और कोई एलिगेशन लगा दे इसने भगाया होगा, इसने तुझे कुछ करा होगा, पता पता। अब मैं एक बात बता दूं आपको, जो कुछ आपने यहाँ पे बातें करी है ना, आपकी वाइफ को सब पता है मैडम जी को, और सामने कैमरा लगा हुआ है, माइक भी इनके पास लगा हुआ है, ठीक है। हाँ ये सब क्या करवा रही यार मेरे साथ, ए, आवाज नीचे औकात नहीं तेरी तो, ये सब करवा आवाज नीचे, आवाज नीचे परिवार में यार, बदनामी हो जाएगी यार। क्यों इसके साथ गलत करता हुआ, सोचा था तेरी बेइज्जती होगी, इज्जत होगी, तो उसका भर जाना मैंने भुगत दिया था यार, पैसे दे मतलब सब कुछ पैसा, सब कुछ पैसा, किसी की बेटी की जिंदगी नाश करके कह रहा जाना भुगत दिया, पैसा दे दिया, तो मुझे नहीं पता इतना बड़ा यार हो जाएगा यार, सीन शांत होता ना मैं बताऊंगी तेरे साथ, सीन होएगा क्या, बात तो छोड़ दे भाई मेरी बात सुन, क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रहा यार, आवाज बंद कर अपनी, अभी तेरे से बाद में बात करूंगी, अब बता क्या करूं उसका। मैडम जी आप ज्यादा बेहतर जानते हो, सुनो भाई कैमरा लगा रखा है तने, ठीक, और तेरे को मैंने दो बार पहले भी बोलता, तीसरी बार बोल रही हूँ, गलत के साथ गलत हूँ और सही के साथ बिल्कुल सही हूँ मैं, या छोरी और या छोरी, कोई बात ना अपने घर दल लूंगी, मेरे पास तो इतनी भगवान की दई मौज है, कोई बात नहीं, जाए जैसे कुत्ते को पाल रही हूँ इस बालक को पाल लूंगी, सोच लूंगी ये भी मेरी बेटी है, ये भी मेरी बेटी है, कोई बात नहीं, तू तेरी अगर हड्डियों पे से चमड़ी नहीं धुलवा दी मैंने तो मेरा नाम नहीं। बात कर रही है यार, यार बार मत बोल, ऐसा रैता मारूंगी मुंह पे ना अभी तेरे, यार छोड़ दे यार, चल मुझसे गलती हो गई यार, मैं माफी मांग रहा हूं, हाथ जोड़ लगा ये गंदे हाथ पैर अपने दूर रख, मैं ऐसे गलती मुझसे यार, माफी यार दे दे यार, जिस डिपार्टमेंट में मैं हूं ना, सुन जो करते होंगे रिश्वत लेके काम मैं नहीं करती, मुझे पता यार, मैं नहीं करती, तुझे पता है ना मैं अपनी जो मेरी सैलरी सरकार देती है ना उस पे खुश रहती हूँ, मैं एक रुपया किसी का लेकर आती नहीं हूँ, सुन सर यार मैं नहीं जानता क्या यार, मेरे घर में हो चाहे बाहर हो गलती तो गलती है, जैसे बाहर वालों को सजा मिलती है ऐसे तुझे भी मिलेगी, अटेम्प्ट टू रेप लगेगा, आवाज कम, अटेम्प्ट टू रेप लगेगा यार, ऐसा मत कर, नहीं रेप लगेगा क्योंकि उसकी एग्री नहीं थी यार, तूने अच्छा नहीं करवाया यार, समझा दे यार, सुन मेरी बात छोरी, मेरा घर पता ना तेरे को, तू मेरे घर जा, ए 50,000 रुपए ले पकड़ कुत्ते, मेरे घर में कोई कमी नहीं, तू घर जा मार है, और तू ना भाई मेरा फोन दिए, चले चल गांडू, चल थाने थाने चल, इधर चल इधर, वहां तेरे बाप की शादी नहीं हो रही, जाड़े चल।